दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आपको भारत बेंच की एक और गाड़ी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जो कि काफ़ी शानदार केबिन के साथ में कंपनी के द्वारा यहां पर शोकेस की गई है, भावमा 2023 कॉन एक्सपो नोएडा के अंदर। और इसके केबिन के अंदर के सारे फीचर हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले इसके जो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4828 RT ये गाड़ी का मॉडल नेम है। इंजन इसके अंदर लगा हुआ है OM926 280 HP का इंजन है, जो कि 2200 RPM पर आपको जो है इतनी पावर देगा। 1100 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। 47,500 kg के आसपास इसका आपको जो है यहाँ पर GVW देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अगर हम केबिन के खास फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर अब आपको जो केबिन दिया गया है पूरा स्टील मटेरियल का, ये केबिन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, पूरा मजबूत जो है स्टील मटेरियल का ये केबिन दिया गया है, जो कि क्रैश टेस्ट को पास करता है भारतीय नॉर्म्स के अनुसार। साथ ही यूरोपियन स्टैंडर्ड को भी ये जो है कहीं ना कहीं मीट करने वाला केबिन गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हाइट मार्कर लैंप है, ORVM है, प्रॉक्सिमिटी मिरर है, काफ़ी बड़ी जो है आपको इसके अंदर विंडशील्ड दी है, पूरा एरोडायनेमिक आपको जो है इसका सेप देखने के लिए मिलता है, जिससे कि गाड़ी जो है जब चलती है तो हवा को पूरी काट के चलती है और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है। तो आगे से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर दी गई है भारत बेंच की ब्रांडिंग क्रोम लेटर्स के साथ में, जो कि हर गाड़ी के साथ में आपको मिलती है। यहाँ पर आपको भारत बेंच का लोगो है काफ़ी बड़ा सारा। ये ग्रिल है जो कि रेडिएटर को हवा देने का काम करती हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रही हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है बम्पर दिया है काफ़ी मजबूत, जिसके अंदर आपको यहाँ पर हेडलाइट का कंसोल भी इंस्टॉल्ड यहीं पर किया गया है। तो एक तरह से देखें दोस्तों तो सामने से जो गाड़ी का लुक है वो काफ़ी हमें यहाँ पर शानदार और बोल्ड दिखाई दे रहा है। भारत स्टेज 6 की ये गाड़ी है, जिसके अंदर आपको BS6 इंजन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और फिलहाल गाड़ी के साथ में आपको यहाँ पर जो है बोगी लगा करके दी जा रही है, जिसके अंदर आप जो है 29 क्यूबिक मीटर जो है आपको यहाँ पर पेलोड एरिया देखने के लिए मिलता है। इन गाड़ियों को अगर आप चाहें तो चेसिस के साथ में भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको कम्प्लीट बॉडी के साथ में भी परचेज कर सकते हैं। अगर हम साइड से देखें, केबिन के अंदर हम बाद में चलेंगे, साइड से अगर हम देखें तो आप देखेंगे काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़े इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर 22.5 इंच के जो है टायर गाड़ी के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर के साथ में आगे की साइड में आपको मिलेगा, जिससे कि आपका केबिन का जो कम्फर्ट है वो बरकरार बना रहता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा इसका एडब्लू टैंक, जो कि लगभग 52 लीटर के आसपास का है। और केबिन को आप यहाँ से मैकेनिकली जो है टिल्ट भी कर सकते हैं। ये आपका बैटरी का पोर्शन हो गया, 2 बैटरी हैं 24 वोल्ट की, जिनको सेव किया गया है गार्ड वगैरह लगा करके। ये आपका स्पेयर व्हील है। केबिन के पीछे आपको 2 यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो भी दिए हैं, जिससे कि आप पीछे देख सकें। 7.2 लीटर का इंजन आपको यहाँ पर मिलेगा, 6 सिलेंडर BS6 इंजन। और यहाँ पर इस साइड में आपको मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक, जो 370 लीटर के आसपास की कैपेसिटी यहाँ पर ये आपको मिल जाती है। तो एक अच्छी खासी तादाद में आप जो है यहाँ पर फ्यूल फिल करके जो है एक लंबी दूरी की यात्रा को कंटिन्यूस कंप्लीट कर पाते हैं। अब दोस्तों इस गाड़ी के हम खास बात के बारे में आपको बताएं तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको ये वाला जो एक्सल दिया गया है, ये वाला लिफ्ट एक्सल है। जब गाड़ी आपकी भरी होगी तो ये एक्सल नीचे हो जाएगा, अगर आपकी गाड़ी खाली जा रही है तो ये एक्सल आपका ऊपर हो जाता है। तो इस तरह का इसमें आपको मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगा। और पीछे वाले ये 2 एक्सल हैं, ये 16 चक्का गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 16 चक्का गाड़ी है, ये 16 चक्का गाड़ी है भारत बेंच की। इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर अब आपको जो है कमानी पट्टी का जो सस्पेंशन दिया है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी इनको हैवी कर दिया है यहाँ पे, पहले की तुलना में काफ़ी हैवी आपको यहाँ पर बोगी कमानी का सस्पेंशन, मतलब पैराबोलिक बोगी सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया है, जो कि पहले की तुलना में काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो ये जो दोनों एक्सल है ये आपको यहाँ पर डबल डिफरेंशियल के साथ में मिलेंगे। और इस तरह की जो है मैकेनिज्म आपको भारत बेंच की इस गाड़ी के साथ में ही मिल रहा है, आमतौर पर इस सेगमेंट के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो साइड में आप देख रहे हैं आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, जिससे कि आपकी सेफ्टी और विजिबिलिटी इन्हेंस होती है। रिफ्लेक्टर टेप दिया गया है। पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं गाड़ी को तो आप देखेंगे इसके बोगी के पीछे की साइड में यहाँ पर काफ़ी स्टाइलिश सुंदर दिखने वाले टेल लैंप दिए हैं, जो कि LED के साथ में रहेंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी के अंदर केबिन के अंदर ही सो होती रहेगी गाड़ी चलाने के दौरान। तो एक बार देखिएगा दोस्तों आप गाड़ी हमें कितनी शानदार ये दिखाई दे रही है, और 16 चक्का ये गाड़ी है। कीमतों के बारे में अभी यहाँ पर कुछ अनवील नहीं किया गया, नहीं तो हम आपको कीमत भी बता देते गाड़ी की कि कितनी कीमत होगी। तो ये राइट हैंड साइड का एरिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा इसका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यूनिट, जो कि BS6 गाड़ियों के अंदर आपको मिलता ही है आजकल। ये आपका ईट सिस्टम है, जिसको पूरा सेफ कर दिया है ग्रिल वगैरह लगा करके, जिससे कि ये डैमेज वगैरह ना हो। और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये दोनों आपके जो आगे के एक्सल हैं पूरे स्टेरेबल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यह हाइवा की यूनिट लगाई गई है, जो कि इसके इस जो बोगी है इसको खाली वगैरह करने के लिए इसका यूज होता है। इसके अंदर आपको जैक सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर।
तो दोस्तों इस तरह की ये गाड़ी है और 48 टनर ये गाड़ी है, मतलब कि 48 टन आपको इसके अंदर ग्रॉस व्हीकल वेट यहाँ पर जो है देखने के लिए मिलता है। अब हम केबिन के अंदर की बात करें तो आप देखेंगे कि केबिन की जो ओपनिंग है काफ़ी वाइड है, ऊपर चढ़ने के लिए ड्राइवर को यहाँ पर 2 फुट स्टेप दिए गए हैं। डोर के ऊपर आपको यहाँ पर पानी की बॉटल रखने के लिए स्पेस है। ये हजार्ड लाइट, हजार्ड आपको साइन दिया है जिससे कि डोर आपका खुला होगा तो पीछे आने वाले ट्रैफिक को पता चलेगा कि आपका डोर ओपन है। और केबिन के अंदर यहाँ पर ड्राइवर के साथ साथ दो लोगों की और बैठने की व्यवस्था केबिन के अंदर प्रोवाइड की गई है, साथ ही आपको पीछे की साइड में एक स्लीपर बर्थ भी दिया गया है। तो दोस्तों आप देखिएगा कि गाड़ी के अंदर केबिन काफ़ी अच्छा है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ड्राइवर की सीट को जो है आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, तो कई तरह के डायरेक्शन में आपको यहाँ पर जो है गाड़ी की सीट को जो है एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। और अब हम चलते हैं केबिन के अंदर। ऊपर चढ़ने के लिए आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिए हैं दोनों ही साइड में, जिससे कि आप गाड़ी के अंदर आसानी से चढ़ पाते हैं। तो केबिन के अंदर का व्यू दोस्तों आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में, और ड्राइवर के साथ साथ दो लोग उस साइड में बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पीछे की साइड में आपको इसके अंदर स्लीपर बर्थ भी दिया है जिसके ऊपर लगभग 6, 6.5 फीट, 7 फीट का बंदा भी आराम से सो सकता है। अब दोस्तों केबिन के और फीचर की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर की साइड में आप देखेंगे आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, जहाँ पर आप अपना USB वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप और कुछ एसेसरीज लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर मिल रहा है, ग्रैब हैंडल है, लाइट है, बीच में आपको कर्टेन वगैरह भी दिया गया है, और यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो है ड्राइवर के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर भी प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पर भी आपको इसके अंदर DMS सिस्टम जो है प्रोवाइड किया गया है। साथ ही दोस्तों पीछे का जो रिवर्स कैमरा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। फुली एयर कंडीशन ये गाड़ी है। ड्राइवर के साथ साथ उस साइड में आपको देखो पैरों को सपोर्ट देने के लिए भी अच्छा खासा व्यवस्था की गई है। नीचे आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। 24 वोल्ट का इसके अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन है, और ये है आपका 9 स्पीड जो है इसका ट्रांसमिशन को ऑपरेट करने वाला गियर शिफ्ट लीवर, जिसके अंदर आपको एक रोलर गियर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो सेफ्टी ELR बेल्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पर भारत बेंच की ब्रांडिंग मिल रही है, या आपका हॉर्न हो गया, और यहाँ पर आपको तमाम सारे और बटन्स मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधाएँ मिल जाती हैं। इस साइड में आपका हॉर्न और वाइपर, और इस साइड में आपका लाइट, ये तमाम सारे कंट्रोल स्विचेज जो हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो मेरे बैठने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है गाड़ी चलाने के लिए। और यहाँ पर अगर इस साइड में और दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर आपको कुछ और बटन्स दिए गए हैं, लाइट की लेवलिंग का स्विच है। और अब हम बात करते हैं इसके इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की। तो जैसे ही हम की को ऑन करते हैं हल्का सा, तो आप देखेंगे इतना साउंड आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा, जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन हो जाता है। और यहाँ पर बीच में आप देखेंगे एक LCD स्क्रीन भी दिया है, जिस पर आपके गियर पोजीशन है, टेम्परेचर है, ट्रिप मीटर है, टाइम है, सो एंड सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होती रहती हैं। यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हैं तमाम सारी चीज़ों को देखने के लिए। और इस साइड में आप देखेंगे आपका स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर है, RPM मीटर है। तो तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं दोस्तों गाड़ी चलाने के दौरान आपको यहाँ पर शो होती रहती हैं। तो एक अच्छी खासी गाड़ी है दोस्तों। कीमतों के बारे में फ़िलहाल हमें पूरा कंफर्म है नहीं तो हम बता देते हैं। आप भारत बेंच के निकटतम डीलरशिप पर जाकर के गाड़ी के बारे में कीमतों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको कोई ऑफ़र वगैरह लेना होगा तो उसके बारे में भी जानकारी वहीं मिल पाएगी। केबिन के दोनों साइड में आपको लाइट वगैरह दी गई है जो कि वाइट कलर की रहेंगी। चला के दिखाता हूँ, LED की लाइट हैं ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर कवर कर लिया है। इसको करते हैं हम बंद और चलते हैं गाड़ी के बाहर, और बाहर के बारे में आपको कुछ और अपडेट्स दे देते हैं।